मंगल जीवन दान, वरदानों से हमें सचेत कर दे, भर दे सारे मन प्राण। आओ करे प्रभु को समर्पण, तन मंगल जीवन दान, वरदानों से हमें सचेत कर दे, भर दे सारे मन प्राण। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने शांति शांति भरे जन को, इसी धरा पर शांति शांति भरे जन को, पूछे स्वर्ग में तेरी महिमा होवे। तू सभी वरदानों का पिता है, हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम है, जो कुछ हमारा है और जो सेवा कार्य हमने किया है, जो शिक्षा हमने दी है, सबका स्रोत तू ही है। हमें सिखा कि हम तेरे अपार स्नेह और वरदानों के लिए कृतज्ञ बने और सच्चे मन और सच्ची शक्ति से तुझे प्यार करें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ।
प्रभु की वाणी। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। मैं प्यासे को संजीवन के जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। यह विजयी की विरासत है। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह पुत्र होगा। लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हथियारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह होगा। धधकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु। प्रभु की वाणी। अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फीका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। हर एक धर्म की मूल शिक्षा है एक दूसरे के प्रति प्रेम रहना है, एक दूसरे की सेवा सहायता करनी है, एक दूसरे को स्वीकार करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है। यही होगा नई पृथ्वी, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी। वहां सब आनंद पूर्वक जीवन बिताएंगे। प्रार्थना करे, हे प्रभु तेरे भारों के बदले हम तुझे यह स्तुति बलि चढ़ाते हैं। ऐसी कृपा कर कि जो कुछ तूने हम अयोग्य भक्तों को दिया है
उसका उपयोग हम तेरी महिमा के लिए करें। वादी याचना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त रहे स्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में या किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं। शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव की जय यीशु। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
नित्य नए वरदान पाने के योग्य बन जाए। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। अल्लेलुया अल्लेलुया।